हे hey है कैसे हैं आप सब मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए फोटोशॉप ट्यूटोरियल में तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे तीन अलग अलग पोस्टर डिजाइन फोटोशॉप के अंदर अब ये तीनों ही डिज़ाइन्स अपने आप में यूनिक है तो हर एक डिज़ाइन में आपको एक नई टेक्निक सीखने मिलेंगी और आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसे ब्रेक डाउन मेथड के थ्रू आपको सिखाने वाला हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है इस डिज़ाइन से रिलेटेड या कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं ऑल राइट गाइड्स यहाँ पर है हम लोग फोटोशॉप और मैं आपको ब्रेक डाउन देना चाहता हूँ मेरे पहले डिज़ाइन का तो हम चालू करते हैं एक ब्लैंक कैनवास से यानी कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या एक ब्लैंक आर्टबोर्ड जो भी आप इसे कहना चाहो जो साइज़ है इसकी कैनवास की या डॉक्यूमेंट की वो है टू थाउजेंड बाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है सो so सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक स्क्वायर क्रिएट करके या एक रेक्टेंगल क्रिएट करके और इस रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पर रिक्टेंगल टूल में और क्रिएट करना है शेप जैसा अभी आप चाहो ठीक है तो हमने यहाँ पर दो शेप्स क्रिएट किए हुए हैं एक येलो और एक ब्लू फिर हम ऐड करेंगे एक सर्कल तो सर्कल क्रिएट करने के लिए आप एक टूल में जाके डायरेक्टली एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो बहुत ही बेसिक चीज़ें है यहाँ पर फिर सर्कल के ऊपर हम ऐड करेंगे जो भी इमेज हमें यूज़ करना है इस डिज़ाइन में तो सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस इमेज को फिर इस इमेज को करना है क्लिप मास्क तो वो क्लिक करने के लिए हमें इस इमेज को सिलेक्ट करना है राइट right क्लिक करके यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क का उस पर क्लिक कर देंगे जिससे ये क्लिप मास्क हो जाएगा या तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो तो अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँ ऑल्ट होल्ड करो और जैसे मैं यहाँ पर होवर करूँगा जो कर्सर है मेरा वो चेंज हो जाता है कुछ ऐसे आइकन में तो जैसे ये चेंज होता है और मैं क्लिक करूँ तो ये अपने आप क्लिप मास्क हो जाएगा तो ये एक बहुत ही शॉर्टकट वे है क्लिप मास्क क्रिएट करने का फिर हम ऐड करेंगे कुछ और शेप्स यहाँ पर ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बैलेंस हो जाए और जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो यूज़ किया था तो मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर लिया है नीचे तो थोड़ा वेरिएशन हमें मिल जाता है और फिर फाइनली हम कुछ यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर देंगे यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करने के जो भी बंदे का या जो भी चीज़ का हम यहाँ पर इमेज यूज़ कर रहे हैं और फिर जैसे कि इस बंदी का नाम है सोफिया स्टेलिन तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पर कंपनी का लोगो ऐड कर दिया और बहुत ही इजी स्टेप्स यूज़ करके हमने क्रिएट कर लिया है एक बहुत ही अच्छा पोस्टर डिज़ाइन और, और ऐसे टाइप के पोस्टर्स आप इवेंट्स में या कॉरपोरेट फंक्शंस uh, के लिए अगर आपको कुछ बनाना हो तो तब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आता है लास्टली जो टेक्स्ट फॉन्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है हेलवेटिका तो अगर आप चाहो तो ये सेम फॉन्ट यूज़ कर सकते हो या तो कोई और फॉन्ट के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर ऑल सो अब जो हम क्रिएट करेंगे वो है हमारा सेकेंड पोस्टर और इस डॉक्यूमेंट का साइज भी सेम ही है 2000 बाय 2500 सबसे पहले तो हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे तो आप एक कलर फिल यूज़ करके भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो बस आपको जाना है यहाँ पर और सिलेक्ट करना है कलर फिल फिर आप जो भी कलर यहाँ पर देना चाहो वो दे सकते हो तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये पर्पल कलर फिर मैं ऐड करूँगा एक इमेज जो भी मुझे इमेज ऐड करना है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो मुझे काफ़ी कम रखनी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पोस्टर में जो हमारा मेन फोकस रहे वो टेक्स्ट रहे तो यहाँ पर जाकर ब्लेंडिंग मोड्स में इसे मैं सेट कर दूँगा अराउंड सॉफ्ट लाइट पर और फिर भी मुझे इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं यहाँ से जो फिल है इसका वो सेट कर दूँगा सिक्सटी पर फिर मुझे इसे कन्वर्ट करना है ब्लैक एंड वाइट में तो मैं यहाँ पर जाकर सिंपली एक यू एंड सैचुरेशन के एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर दूंगा ऐसे और यहाँ पर जाकर आपका जो सैचुरेशन लेवल है उसे रख देना है आपको माइनस हंड्रेड पर और फिर हम ऑल्ट होल्ड करके इसे क्लिप मास्क कर देंगे ताकि वो सिर्फ और सिर्फ इस इमेज पर अफेक्ट करे हमारे बैकग्राउंड पर नहीं और फिर मैं बेसिकली जाकर और फिर मैं शुरू करूँगा ऐड करना टेक्स्ट सो मेन टेक्स्ट के लिए मैं दो तीन अलग अलग फॉन्ट्स यूज करने वाला हूँ सबसे पहला जो फॉन्ट है वो है धर्मा गौतिक द देवी आपको ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल विथ फॉन्ट्स विथ इमेजेस मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो मेक श्योर करें कि आप उसे डाउनलोड करके आप फॉलो करें इस ट्यूटोरियल को ठीक है तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है मेरा फर्स्ट टेक्स फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ धर्मा गौतिक फिर अब मुझे क्या करना है अब मुझे ऐड करना है मेरा सेकंड टेक्स्ट जो कि इसका सर नेम है जो कि है माइकिल जॉर्डन तो अब जॉर्डन आप देख रहे हो कि कैसे इसके ऊपर आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा है तो इसकी विजिबिलिटी मुझे और एनहैंस करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा टेक्सट सेलेक्ट करूँगा माइकल टेक्सट यहाँ पर जाकर मार्की टूल जो है रेक्टेंगल मार्की टूल उसे सेलेक्ट करके एक शेप बना लूँगा या एक सिलेक्शन बना लूँगा ऐसे और फिर ऑल्ट होल्ड करके मैं क्लिक करूंगा लेयर मास्क पे इससे उतना एरिया जो है वो कट आउट हो जाएगा या मास्क क्रिएट हो जाएगा तो ये जो लुक है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत अच्छा लुक एंड फील यहाँ पे हमें मिल जाता है उसी तरीके से जो सेकंड बंदे का नाम है वो भी मैं सेम टेक्निक यूज़ करके यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है फिर मैं ऐड करूँगा क्योंकि इन दोनों के बीच में मुझे मैच दिखाना है तो वर्सेस मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और जो फॉन्ट इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एनी फिर मैंने ऐड किए हुए हैं शेप्स बैकग्राउंड में जिनकी एक्चुअली ज़रूरत है नहीं बट जस्ट इन केस अगर आपका इमेज जो है वो ज़्यादा इंटेंस हो तो आप इन शेप्स को यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसे फिर हम ऐड करेंगे कुछ और एलिमेंट्स टू सपोर्ट द डिज़ाइन और उन एलिमेंट्स के ऊपर इस बार मैं टेक्स्ट डालूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा एक लुक में डिफरेंस मिले और काफ़ी रिडेबिलिटी भी अच्छी रहे टेक्स्ट की तो देख रहे हो कि ये डिज़ाइन में कैसा है कि हम इतने सारे टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि यू नो कहाँ पे फोकस करना है वो समझ नहीं आए तो हमें एक हायरार की बनानी है और अगर आप डिज़ाइन सीख रहे हो तो हरार की होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपके डिज़ाइन में हायरार की इन द सेंस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो स्टेप बाय स्टेप जब कोई भी व्यूअर आपके डिज़ाइन को देखे तो स्टेप बाय स्टेप उसे देखे जैसे अगर समझो मान लीजिए ये मेरा डिज़ाइन है और जब कोई भी ऐसे बंदे को मैं अपना डिज़ाइन दिखाऊँ जो पहली बार देख रहा है तो उसका फोकस कहाँ जाएगा उसका फोकस सबसे पहले जाएगा इस माइकल टेक्स पे और इस रसल टेक्स पे फिर फोकस जाएगा वर्सेस पे और फिर वो नीचे नीचे आते जाएगा जहाँ पर हमें और डिटेल्स ऐड करनी है जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में मैच कभी है तो आज है और फिर जो वेन्यू है उसे भी मैंने यहाँ पर मेन्शन कर दिया है और फिर हाईलाइट करने के लिए टाइम मैंने और एक यहाँ पर स्क्वायर बना दिया और कुछ और डिटेल्स ऐड कर दी यू you नो know. फिर जो ये हायर क्रिएट हो रही है कि ये जो टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है फिर धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है वो नीचे नीचे जा रहा है तो इस तरीके से एक हर क्रिएट हो रही है फिर मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की है मुझे एक तो मुझे एक ऑर्गेनिक या एक रियलिज्म वाली फ़ील देनी थी इस कंप्लीट पोस्टर को क्योंकि ये बहुत सिंपल था सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करके हमने क्रिएट किया है तो वो क्रिएट करने के लिए मैंने ऐड किया है यहाँ पर एक पेपर टेक्स्चर आप कोई भी गूगल से पेपर टेक्स्चर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो ठीक है फिर उसका जो ब्लेंडिंग मोड है उससे मैं सेट कर दूंगा मल्टीप्लाई पे और फिर इसका जो फिल है या इंटेंसिटी है उसे मैं काफ़ी कम रखूँगा अराउंड सिक्सटी तो काफ़ी हल्का हल्का सा टेक्स्चर हमें दिखेगा अब मुझे इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मैंने यहाँ पर सिंपली जाके कर्व्स के एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पर इस तरीके से इसे मैनिपुलेट करूँगा ताकि जो टेक्सचर है वो और अच्छे से हमें विजिबल हो तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है मैंने कर्व की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करके उसे भी क्लिप मास्क कर दिया है इस पेपर टेक्सचर के साथ और फाइनली एक फ़ाइनल कर्व एडजस्टमेंट यहाँ पर ऐड किया है कलर्स को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा और बेटर वे में दिखाने के लिए कुछ ऐसे और उसके ऊपर मैंने ऐड किया है लेवल्स जिससे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज जो है अभी आप देख रहे हो कि जब अगर मैं इस लेवल्स को डिलीट कर दूँ तो काफ़ी एक सिंपल लुक हमें मिल रहा है और हल्का सा डल वाला फील दे रहा है तो उसे निकालने के लिए मैंने ऐड किया है यहाँ पर लेवल्स uh, और जो वाइट्स है जो पूरे डिज़ाइन की वाइट एरियाज़ है उसको मैंने थोड़ा सा इनहेंस किया है कुछ ऐसे तो ये अब डल भी नहीं लग रहा है तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल स्टेप्स यूज़ करके हमने ये पूरा जो पोस्टर है वो क्रिएट किया है अब ये पोस्टर बहुत ही सिंपल है और इस स्टाइल की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जैसे जैसे फॉन्ट यूज़ करोगे जैसे उसे प्लेस करोगे उस तरीके से वो यूनिक होते चले जाएगा तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं डेफ़िनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने फ़ॉन्ट्स लिए हैं आप वही मत फॉन्ट्स लो अलग अलग फ़ॉन्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो बहुत मज़ा आएगा आपको ये स्टाइल क्रिएट करते वक्त तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट डिज़ाइन की ओर ऑल राइट सो हमारा जो थर्ड डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और ऐसे टाइप के डिज़ाइन आपको ड्रिबल पे बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर एक कुछ डिज़ाइन बनाए इस टेक्निक पर तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है ब्लैक सिंपल ब्लैक कलर का और फिर मैंने सिंपली जो अपना एक्लिप्स टूल है उसे लेकर कुछ इस तरीके की शेप्स क्रिएट कर लूँगा और फिर जो भी मैं कलर देना चाहो जैसे एक अच्छा कलर पैलेट अगर आप चाहो तो ऑनलाइन से यूज़ कर सकते हो या खुद से भी आप कलर्स अगर ऐड करना चाहो तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो ठीक है तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनको इस तरीके से ऐड कर रखा है ठीक है तीन सिंपल शेप्स फिर आपको क्या करना है तीनों ही शेप्स को सिलेक्ट करके राइट right क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है जो कि मेरे फ्रेम से बाहर जा रहा है क्योंकि हमें इस पर गार्जियन ब्लर ऐड करना है अगर आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो गार्जियन ब्लर जो फ़िल्टर है वो आप ऐड नहीं कर पाएंगे तो आपको सिंपली कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट करना है जाना है फिल्टर ब्लर और गार्जियन ब्लर तो यहाँ पर मैंने गार्जियन ब्लर ऐड कर दिया है और जो प्रॉपर्टी है मैंने उसकी रखी है अराउंड 550 अगर आप चाहो तो कम या ज़्यादा करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बट 550 मुझे एक स्वीट स्पॉट लगता है तो यहाँ पर ये यह बहुत ही अच्छा इस तरीके से हमें दिख रहा है ब्लेंडिंग ग्रेडियंट्स फिर हम और एक शेप ऐड करेंगे इक्लिप्स का मेक श्योर sure करना है कि ये ब्लैक हो और उसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगा इसका एक डुप्लीकेट इस लेयर का और उसमें भी ऐड कर दूंगा गार्जियन ब्लर बट इसमें कैच ये है कि इसका जो ब्लर का अमाउंट है वो मैंने थोड़ा सा कम रखा है ताकि एक सेपरेशन हो अगर मैं उसको इतना ही बढ़ा दूँ तो ये ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ जो कि हमें नहीं चाहिए तो मैंने इसे सेट किया हुआ है टू ट्वेंटी पर और बस दैट सेट इट्स दैट सिंपल और फिर मैंने फाइनली एक पीछे भी डुप्लीकेट ऐड कर दिया जिससे एक अच्छा सा ग्लो यहाँ पर देख रहे हो क्रिएट हो रहा है इसका जो गार्जन ब्लर अमाउंट है वो और भी कम है टू हंड्रेड पर है और पीछे इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है और जो ब्लेंडिंग मोड है वो नॉर्मल से हम इसे चेंज कर देंगे कलर डॉच पे ताकि ये ब्राइट हो जाए पीछे का बैकग्राउंड तो इससे हमें एक अच्छा सा ग्लो और एक सेपरेशन देखने मिल जाता है कुछ ऐसे और फिर फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो थोड़ी कलर बेंडिंग्स आपको देखने मिलेंगी यहाँ पर तो उसे फिक्स करने के लिए हमें ऐड करना है थोड़ा सा नॉइस और नॉइस ऐड करना बहुत ही सिंपल है आपको यहाँ पर जाना है एक ब्लैक सॉलिड कलर ऐड कर देना है फिर राइट right क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है फिर जाना है फिल्टर में नॉइस और करना है ऐड नॉइस फाइव परसेंट गार्जियन ठीक है ओके एंड फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे सेट कर देना है स्क्रीन पर तो इस समय बहुत ही एक नॉइजी टेक्सचर मिल जाती है अगर आप चाहो तो इसकी इंटेंसिटी या फिर यहाँ से कम ज़्यादा करके इसे सेट कर सकते हो एंड फाइनली आप फिर जैसा चाहो वैसा टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हो जस्ट टू ऐड अ बिट मोर समथिंग इन दी बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर एक uh, टेक्स्ट ऐड किया हुआ है सिंपली इसका एक डुप्लीकेट ले लिया उसको बढ़ा करके वर्टिकली यहाँ पर प्लेस कर दिया है तो ऐसे सिंपल टेक्निक्स यूज करके हमने ये जो कंप्लीट पोस्टर है वो बनाया है सो दैट इज अ रैप गाइस आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया और जस्ट टू तो पुट इट आउट देयर मैंने एक ब्रांड न्यू अपना सबसे पहला एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट्स कोर्स लॉन्च किया है मेरे वेबसाइट DopeMotions.com पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स सही तरीके से सीखना चाहते हो एक नए बंदे हो जिससे आफ्टर इफेक्ट्स का कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए है अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स पहले से भी आता है तो भी मैंने बहुत सारे इनसाइट्स इस कोर्स में शेयर किए हैं तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर कोर्स से जो कि अभी सेल आउट हो रहा है फॉर जस्ट 999 नाइनटी विच इज़ आई थिंक वेरी रीजनेबल प्राइस और कुछ समय बाद इसका जो प्राइस है वो 1999 होने वाला है मतलब कि टू थाउजेंड रुपीज ऑल ऑलमोस्ट सो या इट्स द राइट टाइम टू ग्रैप दिस कोर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सो विद दैट सेड मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ स्टे क्रिएटिव फे आउट